ये सीन देख के तुम्हें क्या समझ आया? 80 साल में भी क्या फिटनेस है भाई उसकी। यार ये बियर पीना छोड़ के ना सोच रहा हूँ कल से जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। ये भी ना। हे रामकृष्ण तू बता, मेरे भेजी में नहीं घुसा? संतोष तेरी समझ में तो कुछ आया होगा ना। रिटायर होने के बाद इसी तरह किसी गांव में अपना फार्म हाउस बनाकर रहूं। तुम सब बेकार हो। क्या रखा है इस सीन में? रोज 5,000 खर्च करके दारू पिला के ये सीन हमें बार बार दिखाता और पूछता है कि इस सीन में आखिर है क्या। यार इस सीन में कमल हसन ने सुकन्या से कपड़े पैक करने को कहा क्या? उसने उससे गांव छोड़ने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी वो समझ गई। इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन। पति की आंखों में देखते ही वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है पत्नी को समझ लेना चाहिए। अरे यार आंखों को देख करके पति का अगला स्टेप क्या होगा ये समझने वाली औरतें कम होती हैं। लेकिन उसके चप्पल उतारने के ढंग से उसने कब पी है, कहाँ पी है, कितनी पी है, ऐसा जानने वाली औरतों के बारे में मुझे पता है। सही जवाब दिया। ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाएगी। नमस्ते सर। लिस्ट तैयार है? 27 के पैसेंजर्स की लिस्ट देना मुझे। हेलो भैया, सिटी सेंटर भैया, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं हम। विजय? हाँ ओके भैया, ओके। क्या हुआ मैडम? लिस्ट मिल गई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? मैं समझ गया मैडम, वो लोग मुझे अंदर मार डालेंगे। मेरे पिताजी को मेरी मौत का कारण मत बताइएगा मैडम, प्लीज। कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट से मरा। अभी अभी पुलिस स्टेशन में मत रोकिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। क्या करूं मैं तेरी बहन से शादी? मैंने कहा ना सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। फलिंदर अंदर है। मैं नहीं, मेरा दोस्त बस में गया था। कौन है वो, नाम बोल। कौन है? अबे ये टिकट तूने अपने नाम से क्यों बुक किया है? इस टिकट को ऑफिस में जमा करके मैं 2,000 रुपए कैश लूंगा और फिर 2 दिन की छुट्टी। अरे बोलता क्यों नहीं, चल नाम बोल, बोल। नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर तू नहीं था तो नाम बता। नहीं आती, वो तुम्हारा दोस्त का नाम बता, बोल। नहीं बोलेगा तू, नाम बोल। अरे बोल। रुक जाइए, बस कीजिए, हटिए। बैक। जीजा जी आप बैठ जाइए, इसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तेरे से एक बार पूछूंगा तेरा वो फ्रेंड कौन है, बताओ। बताओ ना। अबे बोल ना। सबौन बोल। बताओ। बताओ ना। तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बहन की शादी रुक जाएगी, प्लीज यार। अबे घूर क्या रहा है, बता ना, बता जल्दी। कौन था वो? अबे भगवान से तो डर, बता ना उसका नाम, बोल। कौन था वो? बता ना। अबे बोल ना। सॉरी यार। इतना मारने पे भी वो नहीं बता रहा है, मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, और ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी बता, कौन है वो? बोल। अरे बोल ना। बोल। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना, वो दिन कब आएगा यार जब मैं उसे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ ही संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा।
ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे 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 नहीं नहीं, डंबल से नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा, तेरी जान लेके ही रहूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा, आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।